थैंक यू सामा भाई, आपने मेरे इतने जादू कर दिया। बस पॉपिंग गाइस, सो गाइस मैं लैशेस पे आया हूँ अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाने। सो मैं आज केराटिन करवा रहा हूँ, तो अभी जो है क्रीम अप्लाई कर दी है इन्होंने, तो बाकी का रिजल्ट जो है बहुत जल्द पता लगेगा। तो साथ में आपको भी अपडेट करूंगा कि किस तरह का इनका रिजल्ट है, तो फिर आप भी मस्ट विजिट करना। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के स्टूडियो में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे साथ एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर अली रियाज जो है वो मौजूद हैं, और हम करने वाले हैं इनकी ब्राज़ीलियन केराटिन। फेल्प्स का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ब्राज़ीलियन नट्स केराटिन, जो कि आज हम करने वाले हैं अली रियाज के बालों पर। और बाल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, पहले आप प्रोडक्ट देख लें, ठीक है। इतना सा प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया है, और ये इनका बिफोर लुक है। बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी, बहुत ज़्यादा वेवी जो है वो बाल है, तो हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है ताकि इनको बार बार ब्लो ड्राई सेटिंग ना करनी पड़े। तो इस पर आप एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से करोगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अभी जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि बालों की लेंथ जो है वो बैक से बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, मतलब आप इसको हैंड में पकड़ के एप्लीकेशन नहीं कर सकते ज़्यादा शॉर्ट लेंथ होने की वजह से। तो आपको इसको इस तरह से एप्लीकेट करना होगा जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। थोड़े थोड़े बाल आपने बैक पे करने हैं इस तरह से आपने, और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट लगा के आपने इसको कॉम करते जाना है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना, आप लोगों ने नॉर्मल क्वांटिटी रखनी है प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ होगा तो ओबियसली जब आप बालों को स्ट्रेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बालों को स्ट्रेट करना पड़ेगा, इस वजह से कि बालों के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और वो ड्राई नहीं हो रहा, मतलब बालों के अंदर लॉक नहीं हो रहा वो। और ओबियसली जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करोगे तो हीट की वजह से बाल जो है वो ड्राई होगा, तो आपके बाल की वो लुक, वो शाइन नहीं रहेगी बालों में जो होनी चाहिए, और बाल डैमेज भी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि हम एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज इनके जो फ्रंट वाले बाल हैं वो थोड़े लेंथी हैं लेकिन बैक वाले बाल बिल्कुल शॉर्ट हैं, तो हम जो है वो इसी तरह से बैक से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और थोड़े थोड़े बाल हम पीछे की तरफ ले जाते जाएंगे जब तक कि प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशन नहीं हो जाती फ्रंट से बैक तक सारी, ठीक है। और ब्रश जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूने ब्रांड का, फेल्प्स का प्रोडक्ट है। आप लोग फिर से देख लो, अगर आप लोगों को नाम में कन्फ्यूजन हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल्स मेंशन कर दी है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने किस ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। आज का ट्यूटोरियल मैं जस्ट इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि आप इस प्रोडक्ट को जस्ट गर्ल्स के बालों पर ही नहीं बल्कि बॉयज़ के बालों पर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं बॉयज़ के बालों पर भी। और आपने बॉयज़ के बालों पर इसे किस तरह से करना है इसका ट्यूटोरियल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पूरे बालों पर जो है वो बहुत अच्छे से 10-15 मिनट तक जो है वो कॉम करनी है। अब हम बालों पर कॉम जो है वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि बालों में प्रोडक्ट जो है वो अगर कहीं पर ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट नहीं लग सका तो बहुत अच्छे से एक एक बाल तक प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि बालों की शॉर्ट लेंथ होने की वजह से इसे होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बालों क्लाइंट को बिठा देना है हाफ़ आवर तक। हाफ़ आवर के बाद हमने बालों को बहुत अच्छे से ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद हम बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रेट हमने किस तरह से करना है बहुत अच्छे से आप लोग देख लो, क्योंकि गर्ल्स के बालों की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उन्हें स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है स्ट्रेट करने में, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेटनर में और केराटिन वाले स्ट्रेटनर लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेटनर में तो जस्ट आप 2-3 बार स्ट्रेट करते हो बालों को छोड़ देते हो, लेकिन केराटिन में आप लोगों को प्रॉपर देखना होता है कि कहाँ पर आपको स्ट्रेटनर ज़्यादा अप्लाई करना है, कहाँ पर आपने कम स्ट्रेट करना है बालों को। और छोटे बालों में तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है स्ट्रेट करना, क्योंकि आपने रूट से लेके और लेंथ तक जो है वो बालों को स्ट्रेट करना होता है, वो भी इतनी छोटी लेंथ में। इसके लिए ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटनर भी जो है वो छोटे साइज़ वाला ही चाहिए होगा, ताकि आप ईजिली बालों को जो है वो होल्ड कर सको और क्लाइंट का जो सर है वो बच जाए, सर जो है वो जले ना। ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतनी आसानी से स्ट्रेट करना नहीं आएगा, समटाइम्स ऐसा होता है बिगिनर्स को, अक्सर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि ये लें ज़रा क्लाइंट के बाल थोड़े स्ट्रेट कर दें, बहुत अच्छा स्ट्रेट कर लेती हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइंट का सर ज़रूर जला देती हैं, क्योंकि बिगिनर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हमने कितने किस तरह से किस स्पीड में लाना है उसको रूट से ऊपर वाली साइड पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही मज़े का आप जो है वो कर सकते हो काम। अभी आप स्ट्रेटनर के बाद का लुक जो है वो देख सकते हो कि हमने बालों को 90 एंगल पर रखकर स्ट्रेट किया था। सो फाइनली गाइस, रिजल्ट आपके सामने है, मेरे बाल आप देख सकते हैं कितने स्मूथ, सिल्की और शाइनी भी हो गए हैं, तो आपके सामने ये सब कुछ मुझे तो बहुत अच्छे। थैंक यू सामा भाई, आपने मेरे इतने जादू कर दिया बालों को, मेरे बहुत कर्ली हेयर थे लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। सो अगर आपने भी केराटिन करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगा कि आप लैशेस ब्यूटी पार्लर विजिट करें, आपको अच्छे दामों में बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। सो मस्ट विजिट। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारा वॉश के बाद का रिजल्ट। यू कैन सी दिस, के बाल कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी और स्ट्रेट जो है वो हो चुका है। होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।